मानसी जी आपने बहुत बढ़िया गाया और जिस अंदाज में गाया बड़ा अच्छा लगा और लोग सीटियां भी बजा रहे हैं तालियां भी बजा रहे हैं। ऐसा है ना कि जब कोई खूबसूरत चीज स्टेज पे हो और उसका गला भी अच्छा हो गाती भी अच्छा है तो कुछ ना कुछ है, हर आदमी को बोलने की कुछ इच्छा होती है। क्या मैं बोलूं कुछ? जरूर बोलूं। तो चलिए मानसी जी के लिए पहले तो मैं चाहूंगा कि बड़ा अच्छा गाया इन्होंने, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ लोकगीतों के इन सुंदर और सरल लोकगीतों में हमारी धरती गाती है, हमारी नदियां गाती है, हमारे पहाड़ गाते हैं। जबकि आज हमारे घरों में जी टीवी, वी टीवी, एफ टीवी जैसी कुछ संस्कृति पहुंच चुकी है और ऐसे समय में लगता है कि ये चीजें शायद बच भी पाएंगी या ना भी बच पाएंगे, लेकिन हम सबका नैतिक कर्तव्य होता है कि हम इस संस्कृति को बचा के रखें। और आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि हम पारंपरिक भी गाते हैं लेकिन कम है उसके सुनने वाले और पीछे जो नाचने वाले हैं उनको ऐसे ही पसंद है, तब हमें ऐसे ही करना पड़ता है। रुक जाओ रुक जाओ, एक बार मानसी जी अब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो तो मैंने बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए मानसी जी के लिए मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, कई जाने वाले हैं और कई तैयार बैठे हैं। जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, कई जाने वाले हैं और कई तैयार बैठे हैं। कैसे समझाएं इन नादानों को हम, कैसे कैसे समझाएं इन नादानों को हम कि हम भी इश्क में बीमार बैठे हैं। तो ये